पाली विधानसभा के अंतर्गत परखाल सिलोड़ी मोटर मार्ग पिछले 10 दिनों से यातायात के लिए बंद है, जिसके चलते क्षेत्र के लोग ब्लॉक मुख्यालय और पूरे देश से सड़क मार्ग से कटे हुए हैं। दरअसल पिछले साल परखाल सिलोड़ी मोटर मार्ग पर धोडिंग गधेवा में बड़ा भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद नीचे पूरी सड़क बह गई थी। तब से यहाँ के लोगों को हर छोटी बड़ी बारिश में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले साल से ही इस क्षेत्र के लोग इस जगह पर स्थायी समाधान की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि उनकी कोई नहीं सुन रहा। ग्रामीणों ने बताया कि वो अपनी बड़ी समस्या के स्थायी समाधान के लिए बार बार विभागों और विधायक से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी नहीं सुन रहा है। लोगों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। एक वर्ष हो गए हैं, एक वर्ष से ज़्यादा इसकी अवधि हो गई है, ये बार बार टूट रहा है। ना तो मशीन टाइम पे पहुंच पा रही है, इसमें पैसा भी पड़ा हुआ है, विभाग कह रहे हैं इसमें पैसा पड़ा हुआ है, और विभाग को हम फोन करें तो विभाग का फोन स्विच ऑफ जा रहा है, विभाग का फोन एट टाइम 24 घंटे स्विच ऑफ है ना, वो किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसमें रोड बन नहीं रहे, किसी विभाग का जो कहीं करा इस विभाग में कभी करा उस विभाग में दिक्कत है, और जब से ये टूटा तो कई विभागों से संपर्क किया तो कोई सुध लेने को तैयार नहीं है, शासन प्रशासन कोई भी तैयार नहीं है। काफ़ी वीडियो बना दिया आपके माध्यम से भी, हम काफ़ी भेजते रहते हैं और कोई भी हमारी सुध लेने को, कभी शाम को आगे जिस भी तो बस करके चलेगी तो बारिश शुरू आ जाती है, और हमारा मतलब पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा उस रोड का, और हमारी क्षेत्र की मतलब जनता को बड़ी समस्या हो रही है, और क्षेत्र की जनता मतलब डिलीवरी केस है या कोई बीमार है, हमको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और हम चाहते हैं कि अगर ये चीज नहीं हुई तो हम धरने पे उतर जाएंगे। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ चमोली से संवाददाता संदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अगर बात करें तो चमोली में परखाल सिलोड़ी मोटर मार्ग पर यातायात पूरी तरीके से बाधित है, और कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनका संपर्क भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ परेशानियों का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है? पिछले 10 दिनों से ही चमोली में ये यातायात बंद है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से भूस्खलन की स्थिति देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं यातायात भी बुरी तरह से बाधित हो गया है, और ग्रामीणों का संपर्क भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ चमोली से संवाददाता संदीप कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से बात की जाए तो यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया है, और कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये क्या पूरा मामला है और वहाँ लोग किस तरीके की समस्याओं से जी? बिल्कुल, दरअसल मामला थाली विधानसभा के अंतर्गत परखाल सिलोड़ी मोटर मार्ग का है, जहाँ मलबा आ जाने से सड़क पर बारिश हो गई थी, 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक वहाँ पर आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है। ग्रामीणों के द्वारा लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक सड़क मार्ग सुचारू नहीं हो पाया है। यहाँ से काफी लोग नजदीकी अपने डिग्री कॉलेज नारायण प्रसाद आते हैं, लेकिन सड़क व्यवस्था बहाल न होने के चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी जो रोजमर्रा का सामान लेने के लिए उन्हें 1 किलोमीटर पैदल दूरी नापनी पड़ रही है। किसान की वहीं संदीप, अगर बात करें तो लोगों की ओर से क्या मांग की जा रही है, और प्रशासन की ओर से अब तक इस मामले को लेकर क्या आश्वासन दिया गया है? जो ग्रामीण है, जो आपके ग्रामीण है, लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्दी उनकी सड़क को बहाल कर दिया जाए, अगर जल्दी उनके सड़क को बहाल नहीं किया जाता तो उनको आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा जो कार्यदायी संस्था है वहाँ पे एनपीसीसी उसमें संपर्क किया गया है, उनके द्वारा हालांकि आश्वासन तो दिया गया है कि देर शाम तक इसको उपचार कर लिया जाएगा, लेकिन सवाल पैदा ये होते हैं कि 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, आखिर एनसीसी जो कंपनी है जो कार्य संस्था वहां पर काम कर रही है उसने अभी तक वहां पे सड़क मार्ग को बहाल क्यों नहीं किया, क्योंकि लगातार ग्रामीण उनको सूचित भी कर रहे हैं लेकिन उनके द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल अभी तक नहीं की गई है। जी ठीक है, संदीप कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ इस मुद्दे पर साझा करने के लिए। साथ ही आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से चमोली में ये 10 दिनों से यातायात बाधित हो चुका है, और कहीं ना कहीं ग्रामीणों को वहां काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से गुहार भी लगाई है, मदद का आश्वासन भी मिला है, लेकिन अब देखना होगा कि इस सड़क को कब से अवरुद्ध किया जाता है।